ओम शांति। आज की तारीख है 12/5/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। सृष्टि पर जब आते हैं तो हम बच्चों को पर मत और मन मत से मुक्त करके श्री मत देते हैं ताकि हमारे श्रेष्ठ कर्म हो। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं। उत्तर है, सौतेले बच्चों को ये निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन हो नहीं सकती। ये निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्री मत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्री मत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। नंबर दो, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का। ट्रस्टी पन की स्मृति से हर परिस्थितियों में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जब स्वयं को ट्रस्टी समझ करके रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी हैं तो अनेक रस है, मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर मेरा परिवार। तो गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।